दिक्कत ही दिक्कत है जी, इतना तो कूड़ा पड़ा है, हम पैदल आ रहे हैं, गंद पड़ा है, कोई सेफ्टी भी नहीं है, पुलिस वालों की भी नहीं है इतनी, वैसे भी कुछ सीवर की सेफ्टी है। सरकार तो लाभ दावे कर रही है कि कावड़ियों के लिए अलग से रोड बना दिया गया है, लेकिन नहीं नहीं कोई सेफ्टी नहीं है, हमने खुद गाड़ी डटवा के चौक पार कर रहे हैं, वहाँ यूपी में सही सेफ्टी है। और कूड़े को देख के क्या कहोगे? कूड़ा को देख के क्या कहते हैं, हम सुनने लगे जाते गंद पड़ा, गंद के अंदर से आ रहे हैं। है बाजार के लोग ऐसे है कि टट्टर आते थे ना तो डेली कूड़ा उठ जाता था जो भी डलता था, और अब जो कुछ दिन से ट्रैक्टर आ नहीं रहे हैं, ट्रैक्टर ना आने के कारण ये कूड़ा बड़ा है। और इसके बाद में मैंने अधिकारियों को कहा है कि भाई यहाँ से कूड़ा उठवाओ, ये बड़ा बाजार है और सामने भूतेश्वर मंदिर भी है। तो वो कहते हैं आज नहीं कल, आज उनने वादा कराया कि आज डंपर लगा के कूड़ा उठवाएंगे, तो मैं वो भी इंतज़ार कर रहा हूँ यहीं खड़ा हुआ अभी कि ट्रैक्टर जैसी भी आ जाए, टम्पर आ जाए तो एक कूड़ा उठ जाए। कितने दिनों से आपने अधिकारियों से ये और क्या वजह बता? तीन दिन हो गए जी, चार। आपको किस तरह से मार्केट वालों को गुस्सा? मार्केट वाले जी रोज़ रोड़ा करते हैं मेरे साथ, भाई तुम इसको उठवाओ इसको उठवाओ। मैं अधिकारियों को बोल चुका हूँ, भाई देखो मेरा मार्केट के अंदर ना रोज़ तू मैं होती है, परेशानी बहुत है यहाँ पे, कस्टमर रुकता नहीं है भी कूड़े की वजह से ना, कोई इधर यहाँ तो जगह नहीं मिलती, भीड़ इतनी रहती है यहाँ पे कूड़ा, क्योंकि ढेर कूड़े ने जगह घेर रखी सारी, तो गाड़ियाँ जा नहीं पाती यहाँ से, गाड़ियाँ की वजह से जाम लग जाता सारा यहाँ पे। और इधर ये कावड़ वाले आ रहे हैं, सामने मंदिर है, मंदिर में कावड़ वाले ठहर भी रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। ग्राहक अंदर आता है, मक्खी सारे दिन घूमती रहती है, मक्खी इतनी आ जाती है, मच्छर और बदबू, तो आप देख रहे हो कितनी बदबू आ रही है यहाँ पे। और बारिश अभी जैसे लगातार हो रही है ना बारिश, तो बारिश से कूड़े में ज़्यादा बदबू होती है, और ज़्यादा बदबू हो जाती है।